लोगों ने खाद श्रृंखला में खाद्य जाल को पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक घटक पढ़ा, फिर उसके पहले पर्यावरण के परिचय को पढ़ लिया था, बीच में कुछ उप उपखंड वीडियो को भी हमने पढ़ लिया था। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो मेन है आपका पारिस्थितिकी की पिरामिड। क्या है पारिस्थितिकी की पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न पारा पूछे भी गए आपके परीक्षा में। तो अगर पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में प्रथम उच्च पोषण स्तर में जातियों की संख्या या ऊर्जा के संचार के आधार पर देखा जाए तो इसे हम दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको पिरामिड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि पिरामिडों का देश किसे कहते हैं? मिस्र या इजिप्ट को पिरामिडों का देश कहा जाता है। अगर हम देखें तो पिरामिड जो होती है संख्या बायोमास तथा ऊर्जा की दृष्टि से पिरामिड को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है नंबर पिरामिड, संख्या पिरामिड, दूसरा होता है बायोमास पिरामिड, फिर तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। अगर हम सबकी अलग अलग बात करें, सबसे पहले होता है नंबर पिरामिड या संख्या पिरामिड। अगर इसके टॉपिक की अगर हम एक बात करें, सबसे पहला आता है वो आता है संख्या पिरामिड। लिख लीजिएगा एकदम पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, संख्या पिरामिड। पिरामिडों को किसे कहते हैं? इजिप्ट को कहते हैं। इजिप्ट माने मिस्र। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। देखिए ये जानने योग्य बातें हैं कि जो संख्या पिरामिड सीधा उल्टा दोनों प्रकार का होता है। अगर सीधा पिरामिड की बात करें तो आहार श्रृंखला में, अगर आहार श्रृंखला में प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर की तरफ बढ़ने पर जीवों की संख्या क्या होती है? लगातार घटती है, घटती है, तो वो ऊपर से नीचे स्तर की संख्या क्या होती है? कम होती चली जाती है। अगर हम देखा जाए यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में, तो खाद्य श्रृंखला में हम देखते हैं कि पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है? पादप है, पेड़ पौधे हैं, क्या है? पादप है। उसके बाद शाकाहारी से कम, मांसाहारी से कम, सर्वाहारी सबसे कम। तो जो जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये नुकीला होता है, संख्या कम होती जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला का जो पिरामिड बनता है, कौन सा जो खाद्य श्रृंखला का पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड, वो क्या होता है? सीधा बनता है। अगर उल्टा की बात करें, इसमें उल्टा पिरामिड बनता है, तो इसमें सीधा हो गया, सीधा समझ में आ गया ना, सीधा पिरामिड। इसमें भी दो पिरामिड बनते हैं, सीधा और उल्टा। उल्टा देखा जाए तो वृक्ष परितंत्र में जो पिरामिड होता है उल्टा दिग्दर्शित होता है, उल्टा दिखाई देता है। लेकिन वृक्ष एक उत्पादक इकाई होता है, इस पर निर्भर बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। तब वो ये जानते रहिएगा कि जो वृक्ष होता है, एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनता है, याद रखिएगा। एक लिख लीजिएगा एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बिल्कुल उल्टा बनता है। क्या बनता है? बिल्कुल उल्टा बनता है। कैसे बनता है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, नीचे हम क्या लिख देंगे, जैसे उत्पादक, उत्पादक भी क्या हो गया, अगर वृक्ष का यहाँ दिख रहा है ना, इधर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा उत्पादक पहला आपका हो जाएगा। यहाँ मिटाई देते हैं अच्छे से देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपका उत्पादक, यहाँ हो जाएगा आपका उत्पादक। उत्पादक क्या होगा आपका? पेड़ होगा, वृक्ष होगा, फिर शाकाहारी, शाकाहारी माने इसमें पक्षी आ जाएंगी, कुछ क्या जाएंगे, कुछ पक्षी आ जाएंगी, फिर आ जाएंगे परजीवी, क्या जाएंगे परजीवी, फिर आ जाएंगे उच्च परजीवी जो पूरा लग जाएंगे, उच्च परजीवी। इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, पक्षी संख्या कम होगी, एक वृक्ष अकेला, पक्षी की संख्या कम, फिर परजीवी की संख्या कम, फिर उसके बाद जो जो उच्च परजीवी आ जाएंगे इनकी संख्या सबसे अधिक हो जाएंगी। इस प्रकार पेड़ का जो पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड होता है वो काफी उल्टा बनता है। ठीक, अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे बायोमास पिरामिड। क्या पढ़ेंगे? बायोमास पिरामिड। हो गया, लिख लीजिएगा, चित्र भी बना लीजिएगा। दूसरा है बायोमास, दूसरा आपका है बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड। ठीक, बायोमास पिरामिड की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर संचित जो समस्त जीवों का जो सकल भार होता है उसको बंधन करने के लिए क्या होता है? बायोमास पिरामिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बायोमास का पिरामिड का प्रयोग करते हैं।
जो स्थली बायोमास पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा सिर्फ एवं लघु पोषण स्तर पर बनता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इसका पिरामिड भी सीधा बनता है। कैसे बनेगा? सीधा। वास्की तंत्र में जिसका पिरामिड बनेगा वो क्या बनेगा? पूरी तरह से सीधा बनता है। सीधा कैसे बनेगा अभी माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे अगर किसी जंगल या किसी भी स्थान का अगर बायोमास निकालें, जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम बनेगा, ये उत्पादक है तो जो जैव भार होता है उत्पादक का सबसे ज्यादा होगा। पता चला ये है 10,000 या 10,000 टन है। कितना है? 10,000 टन। फिर शाकाहारी जो होंगे कितना होंगे? शाकाहारी इनके हिसाब से कितना होगा? ठीक है 10,000 टन है तो क्या होगा? 100 टन। फिर दूसरा क्या होगा? ये शाकाहारी हो गए, फिर मांसाहारी। मांसाहारी कितने हो गए? 10 टन। फिर सर्वाहारी कितने होंगे? 1 टन। कितने होंगे? 1 टन, 2 टन, 5 टन, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन ठीक इसका अगर हम जली पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक पादप प्लवक या डायटम जीवभार अगर देखा जाए तो इसका उल्टा बनता है। कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। ध्यान दीजिएगा कैसे। ये हो गया आपका, ये बायोमास का पिरामिड हो गया। अब जली के देखा देख लेते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? स्थल पर हो गया, स्थली परितंत्र का हो गया। अब हम देखते हैं जली परितंत्र का। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देगा। समझना है कि मतलब जो जो ऊपर जा रहे थे तो क्या हो रहा है? जो भार लगातार कम होता जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जली पारिस्थितिकी तंत्र में अगर देखें तो मांसाहारी मछलियां, ठीक, मांसाहारी अगर मछलियां जैसे मान लीजिए 1,000 टन है, कितनी? 1,000 टन। फिर तो उसके नीचे आते हैं शाकाहारी मछलियां, उनकी संख्या कम है, क्योंकि जानते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछलियां खाती हैं। फिर कितने हो गए? 100 टन। कितने हो गए? 100 टन। फिर और नीचे आते हैं अगर उत्पादक की बात करते हैं तो कितने हैं? 10 टन। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जली परितंत्र होता है उसका पिरामिड भी उल्टा बनता है, तालाब का भी उल्टा बनता है, यह तो आपको पहले से पता है। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं लास्ट में ऊर्जा पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। ये आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा ऊर्जा का, बाकी हम जब हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस से कराएंगे प्रश्न उत्तर कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं ऊर्जा का पिरामिड। क्या आते हैं? ऊर्जा का पिरामिड। अगर ऊर्जा पिरामिड की अगर हम बात करें तो ये ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है। समस्त जीव जंतु भोज्य पदार्थों के माध्यम से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने पूर्ण जीवन चक्र को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं। किसके माध्यम से? ऊर्जा के माध्यम से। यह जो ऊर्जा प्राय एक इकाई भाग में निश्चित समय में देखी जा सकती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सदैव सीधा ही बनता है। 1942 में निंडमान ने 10% नियम को प्रतिपादित किया। इसके पहले हमने हल्का सा चर्चा किया था। प्रत्येक पोषक तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर को देते हैं, बाकी 90% ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। पोषक श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा उतना अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण अगर देखा जाए तो प्रवाह एक ही दिशा होता है, जैसा इसके पहले हमने देखा था। खाद्य श्रृंखला एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। आइए देखते हैं कैसे। लिंडमान का नियम 1942 में दिया था, जिसे हम 10% का नियम भी कहते हैं। जैसे यहां देखिए उत्पादक, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित होती है सूर्य से, प्रकाश से। ये प्रकाश क्रिया करते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। उसके बाद यह जैसे कोई पेड़ है, जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस तो शाकाहारी होती है, गाय भैंस खाती हैं खूब, खाने के बाद पचाना पड़ता है, पचाने के लिए मंजन करती है, आपने देखा होगा ना पागुर करती है, जो पागुर करती है गैस, कौन सा गैस निकलता है? CH4 निकलता है, ठीक। तो वो क्या करती है? इसे पचाना पड़ता है खाने के बाद, और वहीं शेर आता है शिकार करके आता है जंगल में सो जाता है। माने सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको ऊर्जा मिलती है? जैसे मान लिया जाए अगर यहाँ पे आपको एक इधर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है,
1000 किलो कैलोरी मिला या 10000 किलो कैलोरी मिला, यहाँ से 10000 किलो कैलोरी मिल गया। अब उसके ऊपर अगर इसमें 10000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, यदि किसी शाकाहारी ने चाहे बकरी भेड़ या कोई सॉरी बकरी गाय जो भी खरगोश वो खाएगा, इसका 10% ऊर्जा इसे मिलेगा। यानी अगर कोई शाकाहारी है, शाकाहारी जीव है, उसे कितना इसका 10% मिलेगा, माने उसे 1000 किलो कैलोरी मिलेगी, क्योंकि 90% ऊर्जा का क्षय भी तो होता है। फिर उसके ऊपर आएंगे मांसाहारी के पास, मांसाहारी ने शाकाहारी का शिकार किया तो यहाँ पे कितना ऊर्जा मिलेगा इसका 10%, माने 1000 किलो कैलोरी का कितना हो जाएगा 100 किलो कैलोरी। फिर इसको कोई खाएगा कौन सर्वाहारी, तो उसको कितना मिलेगा 10 किलो कैलोरी। इस प्रकार हमने ये देखा कि ज्यों ज्यों ऊर्जा का प्रभाव ऊपर बढ़ता है पिरामिड सीधा बनता है, नीचे आधार चौड़ा होता है। इसे लिंडेमान का नियम कहते हैं। कौन सा नियम? लिंडेमान का नियम, लिंडेमान का नियम कहते हैं। 10% ऊर्जा का नियम क्या कहते हैं? लिंडेमान का नियम कहते हैं कि 10% ऊर्जा का क्षय होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, माने 1/10 होता है, 9/10 ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है। एक बात है, दूसरी बात है, आप लोग ये भी जानते भी रहिएगा, जैसे कि शेर को देखा होगा मांस खाने के बाद नहीं बचाना पड़ता, सो जाता, लेकिन शाकाहारी को खाने के बाद, जिसे जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत की लंबाई लंबी होती है, मांसाहारी की आंत की लंबाई छोटी होती है, इसी कारण से होती है, यही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पाचक तंत्र के पिरामिड को भी आज पढ़ लिया। इसी प्रकार एक एक क्रम से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते भी रहेंगे। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है वन, तो देख लेते हैं अगर आज समय मिला तो आज पढ़ लेंगे, अन्यथा वन को भी हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या हो अगर आप तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग उस पर समस्या का निराकरण कर सकें। और ये वीडियो कंप्लीट कर दिया जाए तो कंप्लीट हो जाएगा, तो शायद अध्ययन अध्यापन का और बेहतर तरीके से हो पाएगा, फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी को भी सॉल्व कर लेंगे। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के ग्रुप का नंबर दिया गया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़िएगा दुर्गेश सर सर्च करके। फिर ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह ई लर्निंग भी दुर्गेश ही आपको मिल जाएगा। और नोट्स भी हमारे उपलब्ध हैं, ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध हैं, जो भी आपको लगे। यदि आपको लगता है नहीं ई लर्निंग में दुर्गेश के साथ आपको जुड़ना चाहिए तो आपको मोस्ट वेलकम है। इसके बाद आपको मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, या क्लासेस खत्म होने के बाद हम आपको मैराथन क्लास भी उपलब्ध कराएंगे। गणित क्लासेस भी तेजी चीज चल रही है और इसकी भी क्लासेस तेजी से चल रही है। जैसा आपको उचित लगे, यदि आपको लगता नहीं ई लर्निंग में दुर्गेश के साथ आपको जुड़ना चाहिए तो आपका मोस्ट वेलकम है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।